हिंदी की लड़ाई लड़ने वाले छात्र जो हैं वो मुखर्जी नगर में लाठियां खा रहे हैं, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं और आपने उनके बीच जाके भी बात रखी है। लेकिन एक ऐसी सरकार जिसका प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हो, क्या उस सरकार से ये अपेक्षा करना भी गलत है कि वो हिंदी को वो तवज्जो दे जो उसका जायज हक है वो उसको मिले? और कोई भी चयन प्रक्रिया हो, आप हिंदी और अंग्रेजी की भी बात छोड़ दीजिए, वहां टैलेंट देखिए ना, लैंग्वेज से आप टैलेंट को क्यों जोड़ रहे हैं? किसी एक भाषा के जानने वाले को चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह का वरीयता किसी भी तरह की क्यों मिले? इस सरकार ने जो मांग है छात्रों की कि ये आगे बढ़ाई जाए इसी से 24 तारीख से, तमाम आश्वासनों के बावजूद उसको आगे बढ़ाने को वो तैयार नहीं है। जो कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें भी आ गया कि सीसेट में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिहार से झारखंड से ऐसा आया है जिसमें बुद्धि बहुत है, प्रशासनिक क्षमता बहुत है, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान कम है, तो क्यों नहीं उस देश को इस देश की प्रशासनिक सेवा में आकर कलेक्टर कमिश्नर बनकर सेक्रेटरी बनकर देश की सेवा करनी चाहिए? आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं आपके विचारों से शत प्रतिशत सहमत हूँ। मुखर्जी नगर के छात्रों का आंदोलन पिछले साल मैंने खुद शुरू करवाया था, खुद वहाँ गया, भाषण किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। दो बार ऐसा हुआ कि वो गिरफ्तार हुए, एक बार मैं स्वयं उनके साथ गिरफ्तार हुआ, एक बार वो गिरफ्तार हो गए फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं खुद जाके थाने से उनको छुड़ा के लाया सब लोग। और अब की बार भी ये एक सहयोग की बात है, पाकिस्तान से मैं लौटा, हवाई अड्डे पे ही था, अभी तक कोई घर भी नहीं पहुंचा था। 2 जुलाई शाम को इन लड़कों का फोन आया, बेचारे 8 दिन से मुझे लगातार फोन कर, मैं शायद 3 या 4 जुलाई या उसके एक आध दिन बाद उन्हीं दिनों मैं मेट्रो में बैठ के मुखर्जी नगर गया, मुखर्जी नगर के पहले कहीं रुकता है, वहाँ गया, वहाँ से ये लड़के मुझे ले, इनके साथ जाते हुए मैंने नाम नहीं बता सकता हूँ, संघ लोक सेवा आयोग के उच्चतम अधिकारियों से उनके सामने फ़ोन पर बात की, और जब मैं वहाँ भाषण दे रहा था उनके लिए, फिर भी नाम नहीं बता सकता हूँ, देश के सबसे बड़े जो 5-7 लोग माने जाते हैं उनका फ़ोन मंच पे मेरे पास आया। उनको मैंने मन से कहा, मैंने कहा मैं अभी आधे घंटे बाद आपसे बात कर रहा हूँ। उन लड़कों का मैंने डट के समर्थन किया, उन लड़कों के लिए मैंने जिससे भी कह सकता था इस सरकार को चलाने वाले उनसे कहा है, लेकिन क्योंकि वो हाफिज सईद वाला विवाद हो गया था और सरकार के लोग मुझसे बहुत डर गए थे, मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो विरुद्ध हूँ अभी और अभी जाऊँगा उनके आंदोलन, क्योंकि मुझे कल रात को भी फोन आया कि आज वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो मेरा व्याख्यान उन्होंने रखा था लेकिन अब मुझे यहाँ बोलना है इसलिए मैं परसों जाऊँगा। मेरा ये कहना है कि सरकार ने इसमें काफ़ी बात मानी है, भाषा संबंधी बात तो मानी है कि जैसे वो जो 22 नंबर का पर्चा था उसमें सवाल है वो हटा और उन्होंने एक आध चीज को और मानी। लेकिन अनुवाद किए हुए प्रश्न क्यों आएंगे हिंदी में? मौलिक हिंदी में क्या प्रश्न पूछने वाले लोग नहीं है हिंदुस्तान में? दूसरा प्रश्न अनुवाद का था, तो उन्होंने ये भी कहा है जो मुझे कहा है और जो संसद में कहा है कि अनुवाद नहीं हो और अनुवाद होगा तो शुद्ध होगा, अच्छा हो क्यों अनुवाद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौलिक हिंदी में प्रश्न नहीं पूछ सकता हिंदुस्तान, एकदम ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि ये गुलामी क्यों है, मूल प्रश्न अंग्रेजी में क्यों बनता है, मूल प्रश्न हिंदी में क्यों नहीं बनता है और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद क्यों नहीं होता है, ये मैंने कहा। तो उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया है। जो तीसरी और सबसे असली समस्या है, जड़ है, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो ये कि बुद्धिमत्ता की परीक्षा होनी चाहिए, कार्यक्षमता की परीक्षा होना चाहिए, गहरी समझ की परीक्षा होना चाहिए।